दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों जब आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से सुमित सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है कि आखिर रास्ता अपनाया क्या जाए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी लगातार सुमित और श्लोक पर वार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीका का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं आखिरकार टारगेट करने का, और टारगेट भी कितने गंदे लेवल पर कर रहे हैं ये बात आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाली कहानी जो है आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय एक और भी टूट लाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जहां पर सभी लोग इस समय चिंतित हैं कि आखिरकार श्लोक और सुमित को कितनी बेरहमी से मारने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों की तो नस्ल ही बेकार होती है, वो लगातार दूसरे को टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है यहाँ पर नाज, क्योंकि नाज ने अपने भाई से बोल दिया है कि सुमित और श्लोक को जितना हो सके इतना इन दोनों को टारगेट करो, मैं ये चाहती हूँ ये यहाँ से जिंदा नहीं जाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों श्लोक और सुमित को मारने के लिए कोई इतनी गंदी षड्यंत्र रचेगा वो दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल कहानी एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, नया टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एक रियलिटी है, ये एक बेहद बड़ा सच है, और ये एक ऐसा सच है कि जो सभी लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है, परेशान भी है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सुमित ने एक चीज़ और बोली है कि श्लोक ये जो हो रहा है इसमें किसी और का नहीं बल्कि रौनक का हाथ है और साथ में शगुन का हाथ है। क्योंकि दोस्तों रौनक और शगुन दोनों ही एक ऐसे हैं कि जो कुछ भी कर सकते हैं किसी को मारने के लिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी अपने एक नए मोड़ पर और भी नज़र आने वाली है दोस्तों।